हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान कर दिया है। हरियाणा रोडवेज में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसकी जानकारी हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी। मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए हरियाणा रोडवेज में यात्रा मुफ्त कर दी है। इससे महिलाओं को काफी सुविधा मिलेगी। इस घोषणा के अनुसार महिलाओं का हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में किराया नहीं लगेगा। यह सुविधा 10 अगस्त 12 बजे से आरंभ होगी और 11 अगस्त 12 बजे तक मिलेगी। ये सुविधा 36 घंटे के लिए लागू रहेगी। सरकार की इस सुविधा का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं अपने भाइयों के घर जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकेंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाएं और 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है। परिवहन विभाग ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिया है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा मुहैया कराने में कोई कोताही नहीं बरती। आपको बताते चलें कि साल 2006 में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद से ही सरकार महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा देती आ रही। आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर।